सभी भक्त जनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष ब्रह्म सूत्र के पहले अध्याय के पहले पाद के दूसरे मंत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं, दूसरे सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह ब्रह्म सूत्र जो है वेदांत सूत्र भी कहलाता है, वेदांत दर्शन कहते हैं। अब इस सूत्र में कहा गया है, जन्माद्यस्य यतः, अर्थात जिससे जन्म आदि होते हैं, यहां पर अस्य मतलब यहां पर इस जगत के विषय में बताया गया है कि इस जगत के जो जन्म आदि होते हैं, यानी जन्म स्थिति प्रलय ये सब जो होते हैं, यह किससे होते हैं? इसी से होते हैं। यहाँ पर इसी इसी से किसको कहा गया है? तो ब्रह्म को कहा गया है। यानी ब्रह्म के एक कार्य के विषय में कहा गया है। तो ब्रह्म का यह एक कार्य है। क्या कार्य है? कि उसकी उत्पत्ति करना, स्थिति रखना, प्रलय रखना। तो यह इसका एक गुण भी कहा गया है, इसका एक फंक्शन है, कार्य है, गुण है। और जो परब्रह्म परमात्मा है उसके एक अंश मात्र से ही यह हो जाता है। यह अस्तित्व तो जिसको आज तक हम लोग महसूस किए हैं, मनुष्य जाति ने जो महसूस किया है, वह मात्र एक अंश है। यह अस्तित्व तो अनंत है, उसका यह एक अंश है। और इतने छोटे अंश ने भी बड़े से बड़े वैज्ञानिकों को, दार्शनिकों को, विचारकों को, बुद्धिजीवियों को बिल्कुल आश्चर्य में डाल दिया है। और इसके रहस्यों की खोज करते करते आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन क्या हमने सारे रहस्य खोज लिए हैं? तो नहीं, हमने बस रहस्यों के एक बहुत सूक्ष्म से छोटे अंश को हमने बस जाना है। और हम जितना जान रहे हैं उससे कितना, 1% भी हम नहीं जान रहे हैं अभी, तो उससे कितना ही अभी हमारे लिए अज्ञात है। तो जितने भी यहां पर जीवधारी हैं, वे जितने तत्व हैं, जीवधारियों में मान लीजिए कि वनस्पति हैं, कीट पतंगे हैं, बैक्टीरिया वायरस हैं, जो पशु हैं, पक्षी हैं, जलचर हैं, मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, जो कुछ भी आपको दिखता है, कीड़े मकोड़े पतंगे ये हैं, और मनुष्य तो खरा ही। तो ये सब के अलावे और भी इस जगत में जो जीव हैं, जो इस पृथ्वी की बात नहीं कर रहा, जो और भी दूसरी जगह के जीव हैं, जो आज का बहुत चर्चा है एलियंस की, तो वे सब भी जो हैं, अन्य जो दूसरे प्राणी हो सकते हैं, वे भी इसमें शामिल हैं। और इसी में जो अलग अलग आयाम में, इसी आयाम में जो मल्टीवर्सेस है, तो उस अलग ही आयाम में और भी जो जीव प्राणी रह रहे हैं वे सब भी इसमें शामिल है। इसके अलावा जो ये सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, तारामंडल, जितने आकाश गंगाएं हैं, और यह ब्रह्मांड है, और ऐसे ऐसे कितने असंख्य ब्रह्मांड हैं, वे सारे जिसे उत्पन्न होते हैं, यह सारा जो आकारमय जगत है जो उत्पन्न होता है,
क्योंकि उत्पत्ति तो आकारमय की ही होगी, तो उत्पत्ति और विनाश और स्थिरता स्थिति वो तीनों जो है इसी में संभव है। तो ये जो कुछ भी हो रहे हैं तो इसका वास्तविक कारण कौन है, तो वास्तविक कारण जो है उसी को ब्रह्म कहते हैं, यह जिसके माध्यम से व्यक्त हो रहा है, प्रकट हो रहा है। जो चीज यह प्रकट हो रहा है, जो चीज भी यह प्रकट है, ये सारी चीजें जहां से प्रकट हैं, जिस चीज से बनी हैं और जिसकी प्रेरणा से प्रकट हो रही हैं या हुई हैं और हो भी रही हैं और आगे भी होती रहेंगी, ये निरंतर जो प्रक्रिया है प्रकट होने की और फिर लीन होने की, तो जन्मने की, उत्पन्न आने होने की, फिर स्थिति में आ जाने की यानी ग्रोथ की, और उसके बाद फिर लीन हो जाने की यानी विनाश को प्राप्त हो जाने की, मृत्यु को प्राप्त हो जाने की, संहार की, तो ये प्रलय महाप्रलय और सृष्टि महासृष्टि और स्थिति महास्थिति, ये सभी जो हैं जिसके तहत हो रहे हैं उसी को ब्रह्म कहा गया है। तो यहां पर जो उपनिषद हैं वे इसी ब्रह्म के विषय में यह भी कहते हैं कि यह अकर्ता है, अभोक्ता है, ये अव्यक्त है, असंग है, अगोचर है, अचिंत्य है, निर्गुण है, निरंजन है, निर्विशेष है, इस तरह की बातें हैं बताई गई हैं कि यह अलौकिक है। तो अब ऐसा कैसे हो पा रहा है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि वह अस्तित्व जो है अनंत है, और जो अनंत है वह कर्ता होते हुए भी अकर्ता होता है, यानी सारे पैराडॉक्सेस जो हैं इसमें शामिल हैं, सारे विरोधाभास जो हैं वो इसमें सब शामिल हो जाते हैं। ये सब गुणों के होते हुए भी गुणातीत है, निर्गुण है, आकार होते हुए भी निराकार है और आकार निराकार से परे भी है, या सर्वज्ञ भी है, अज्ञानता भी इसी में है, सर्वज्ञता भी इसी में है। ये सभी रूपों में होने में समर्थ है, सर्वरूप भी है यह, तो यह सर्वरूप भी है, सर्वशक्तिमान भी है और यह अरूप भी है। तो सर्वरूप भी है और अरूप भी है। यह जो है अंतर्यामी भी है, इसी को विशुद्ध भी कहा गया है। तो उपनिषदों में भी इसका बहुत बढ़िया वर्णन आया है, उपनिषद इन्हें के श्रुति भी कहते हैं। तो श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, एको देवः सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। यानी वह एक देव, यहां पर एक से मतलब एक संख्या से नहीं समझना चाहिए बल्कि एक मैं उसे समझना चाहिए, सिर्फ से समझना चाहिए। तो वह सभी प्राणियों में छिपा हुआ भी है, सारे प्राणी भी वही है, एक रूप भी है, सर्वव्यापी है और सभी का अंतर्यामी भी है। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सभी प्राणियों का वह आत्मा आत्मा भी है। कर्माध्यक्ष, सभी कर्मों का अध्यक्ष भी वही है और सर्वभूताधिवास, वही सबके कर्मों का अधिष्ठाता है और सभी भूतों का निवास स्थान भी है। सर्वभूताधिवासः, सभी भूत उसी में निवास करते हैं, यानी सर्वाधार है, सभी का आश्रय है वह, और साक्षी है, सभी का साक्षी है, उसको किसी साक्ष की जरूरत नहीं है। जैसे कि इस्लाम में बताया गया कि मोहम्मद जो है गवाही देगा सबके, ये बेकार की बात है, परमात्मा स्वयं साक्षी है सबका और वही चेतन स्वरूप है। तो पदार्थ स्वरूप भी वही है और चेतन स्वरूप भी वही है,
तो यहां पर उपनिषद में इस जगह पर तो वो कहा जा रहा है कि वही चेतन स्वरूप है और वही केवल है। इसीलिए मैंने कहा कि यहां पर जो एको जो लिखा हुआ है ये समझना चाहिए कि वही केवल है, यानी सर्वथा वह विशुद्ध है, एकमेव है वह, और वह निर्गुण है, अर्थात गुणों से परे है वह। तो सब गुण रहते हुए भी गुणों से परे है, सारे विशेषण उसके हैं इसके बावजूद भी वह निर्विशेष है। इसी तरह से मांडुक्योपनिषद में भी कहा गया है कि ऐश सर्वेश्वर ऐश सर्वज्ञ ऐसो अंतर्याम्बेश योनि सर्वस्य प्रभवो अप्ययो ही भूताराम, अर्थात यह सबका ईश्वर है, ऐसा सर्वेश्वर ऐसा सर्वज्ञ वह सर्वज्ञ है, यानी वह सब कुछ जानने वाला है और वही अंतर्यामी भी है, यानी बाहर और भीतर दोनों से वह जानता है और जानने के लिए उसको कहीं जाना नहीं है, बस वहीं पर वह विद्यमान है जहां उसको सब पता है और उसी की विद्वानता ही है, उसके अलावा और किसी की विद्वानता नहीं है, इसीलिए वह सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ इसीलिए है, या नहीं कि वह बाहर बैठ करके जान रहा है तब सर्वज्ञता संभव नहीं होगी। सर्वज्ञता तभी संभव है जब वही सब हो, अन्यथा सर्वज्ञता संभव नहीं हो सकती है। तो समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान वही है, योनि ही सर्वस्य, यानी सबकी उत्पत्ति उसी से होती है, सब चीज की उत्पत्ति, और सभी की स्थिति और प्रलय भी उसी से होता है। प्रभवः ही भूतानां, सभी की स्थिति और प्रलय उसी से होती है। ये मांडुक्योपनिषद का मंत्र था, और फिर अगर आप इसको देखेंगे, इसी को जस्टिफाई करते हुए, इसी को न्यायोचित ठहराते हुए, इसी का समर्थन करते हुए मांडुक्योपनिषद में फिर कहा गया है, न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अदृष्टम अव्याहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंतयम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विजेयः। अर्थात जो न भीतर की और प्रज्ञा वाला है, यानी ज्ञान वाला, न भीतर की ओर न बाहर की ओर, न दोनों बाहर भीतर की ओर, और न ही वह प्रज्ञान घन कहा जा सकता है, यानी एक जगह पर स्थित प्रज्ञान घन हो वैसा भी उसको नहीं कहा सकता है, न उसको जानने वाला कहा जा सकता है, न नहीं जानने वाला। तो यहां पर सारा पैराडॉक्सेस आ रहे हैं, सब विरोधाभास आ रहा है, परस्पर विरोधाभास, लेकिन ईश्वर यही है कि विरोधाभास को भी समेटे हुए अपने में, अन्यथा संभव नहीं है ईश्वरत्व का। जो देखा नहीं गया है, जो व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, जो पकड़ में नहीं आ सकता, जिसका कोई लक्षण नहीं है, जो अचिंत्य है, यानी चिंतन करने में जो नहीं आता है, जो बतलाने में भी नहीं आता है, जो एकमात्र आत्मा की प्रतीति का सार है, जिसमें प्रपंच का पाखंड का सर्वथा भाव है, तो ऐसा जो है वो सर्वथा शांत है, कल्याणमय है, अद्वितीय है, अर्थात उसके जैसा और कुछ भी नहीं है, दूसरा नहीं है, दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब वही अनंत है तो और अस्तित्व की संभावना कहाँ रह गई। दूसरा नहीं है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि अल्लाह एक है, वो वाला फॉर्मूला नहीं है यहां, तो वह एक अलग हो जाएगा और ये दुनिया अलग हो जाएगी, तो वो अल्लाह जहां खत्म होगा वहीं से दुनिया शुरू होगी, वैसा नहीं है यहां।
यहाँ पर अद्वितीय का अर्थ है कि दूसरे के होने की कोई संभावना ही नहीं है, दूसरा कुछ है ही नहीं सिवाय ब्रह्म के, और कुछ नहीं है। तो कहते हैं कि यह जो है यह चतुर्थम मन्यते, यह परमात्मा का चौथा पद है, और यह जो आत्मा है यही जानने योग्य है, यानी अनुभूत करने योग्य यही है। जानने योग्य का मतलब यहां अनुभूति के द्वारा जानना है, सुन करके जानने से मात्र से मतलब नहीं है। तो यह यहां कहा गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परस्पर विरोधाभास की भी जो बातें हैं वह वेदांत में उपलब्ध हैं और उन सबको समेटे हुए हैं। और चूंकि परमात्मा पर ब्रह्म है, अनंत है, तो अनंत में सब चीज होनी चाहिए। यदि कुछ नहीं है तो फिर वो अनंत क्यों हो? इसलिए अनंत के तहत सारी संभावनाएं होती है, कोई संभावना ऐसी नहीं होती है जो कि अनंत में न हो। इसलिए परस्पर जितने भी विरोधी बातें हैं वे सब एक साथ शामिल होते हैं कि वह जानता भी है और वह नहीं भी जानता है। जानता है अलग संदर्भ में, नहीं जानता अलग संदर्भ। वह जन्मता भी है, अजन्मा है और नहीं भी जन्मता है। तो जन्मता है अलग अर्थ में, जन्मता है अलग सेंस में है, अलग संदर्भ में है, और नहीं जन्मता है अजन्मा है वो अलग संदर्भ में है। अजन्मा है इस अर्थ में कि जब सब वही है तो फिर जन्मेगा क्या, अनंत वही है। और जन्मा है संदर्भ में क्योंकि जन्मने का भी उसमें गुण नहीं है, गुण नहीं होगा तो फिर वह अनंत भी कैसे होगा, यानी वह जन्म भी सकता है। तो वह छोटी संख्याओं में जन्मता है। अब संख्याओं से समझेंगे तब समझ पाएंगे। अनंत में सारी संख्याएं शामिल हैं, तो इसमें जो संख्याएं जन्मती हैं किन्हीं बड़ी संख्याओं से, तो या छोटी संख्याओं के भी जोड़ जोड़ से मिलकर के जो संख्याएं बन गई है, तो उनको कह सकते हैं कि यह इसमें जन्म गया, यानी एक और एक मिलकर के दो हो गए तो वो दो जन्म गया, एक और एक दो जन्म गया। लेकिन नहीं जन्मा किस अर्थ में, क्योंकि दो तो पहले से ही मौजूद था तो वो नहीं जन्मा। और किस अर्थ में और भी नहीं जन्मा कि सारी संख्या जो थी वह परब्रह्म परमेश्वर है, तो सारी संख्या तो पहले से ही मौजूद थी तो वो नहीं जन्मा। तो यानी जोड़ घटा गुणा भाग भी सब हो जाता है, इसके बावजूद भी सारी संख्याएं वैसे की वैसी ही रह जाती हैं, सिर्फ सापेक्षिक उसके रूप में मत में भेद में बदलाव होते रहते हैं। तो इसमें इतना ही। ओम।